हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशर लिमिटेड स्टडीज़ हूँ। सो गाइस, कल मैंने आपको स्टार्ट किया था फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बारे में मैंने कल आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया, फिर मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज बताया, यस ना, और मैंने आपको रिलेशन बताया एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज में रिलेशन। देन उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी मैंने बताई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने देखा होगा घर में भी पंखे वगैरह में लगती है बॉल बेयरिंग। ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए बनाई जाती है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट कर देती है। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल, मतलब ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी नुकसान है ना, तो ये ज़रूरी तो है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। देन लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आपने देख लिया था, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कहता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेडियस कम होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, है ना, रेडियस कम होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर और व्हील। तो ये रूल बन गया था और ये अपने पास आ गया था रिलेशन फाइनली, एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर आर बाई आर। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके साथ ही साथ आपने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ ही साथ आपने निकाला है, यस, ये दो रिलेशन निकाले हैं। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी स्लाइड डाउन डाउन इन ए इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में वर्क डन कितना होता है, तो वर्क इज इक्वल टू पुल फोर्स इंटू एस, और पी की वैल्यू आ गई थी अपने पास में एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। ये कर लिया, बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये एग्जाम में आता है आपकी। सो वर्क डन है, एंड देन इसके बाद आपने एक्सलेशन निकाला था, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें कुल मिला के मास का डिवाइड कर दो तो आपके पास में एक्सलेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हमने कल कर लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं जो आज हमें पढ़ना है गाइस। ओके, अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। अब ये तो वॉल बेयरिंग हो गई है। डिस्क्राइब सम मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। देखिए डिक्रीजिंग फ्रिक्शन की बात तो कल आपने कर ली कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके वही है भाई, पॉलिशिंग, पॉलिश कर दो, है ना, लुब्रिकेशन लगा दो। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब समझते हैं आप, स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब समझते हैं, आपने देखे होंगे कार एरोप्लेन का जो माउथ होता है, जो सामने का होता है शेप, वो इस टाइप से होता है, समझ गए ना। अगर फ्लैट रहेगा तो आपको पता है पूरी हवा सामने पड़ेगी, है ना, और वो रोकेगी एरोप्लेन को, या है ना, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो बेटा ये जो शेप होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीमलाइन शेप, है ना। इस प्रकार के शेप को बच्चों हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या तरीका है, पॉलिश कर सकते हो, लुब्रिकेशन कर सकते हो और स्ट्रीमलाइन शेप भी कर सकते हो। बॉल बेयरिंग क्या होती है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक टेक्निक होती है, है ना, ये बॉल बेयरिंग। इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक रिंग अंदर होती है और एक सिलेंडर बाहर होता है, एक सिलेंडर अंदर एक सिलेंडर बाहर, ये सुनो, ओके। ये सिलेंडर ऐसा घूमेगा क्लॉकवाइज, तो रिंग कैसी घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है जो आपको समझ में ना आए, तो ये आप कर लीजिएगा। ये बॉल बेयरिंग हो गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज का मेन क्वेश्चन जो हमको कंसर्न है वो ये है, व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन पुश इट। किसी लॉन रोलर को खींचना इजी होता है ना, बजाय उसको पुश करने के। मैं समझाता हूँ आपको, देखिए कि आपके पास में कोई लॉन रोलर है, उसको कहा जा रहा है कि उसको खींचना क्यों आसान है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में एक लॉन रोलर है, ये मान लीजिए एक लॉन रोलर है, ओके, ये देखिए। अब एक तरीका, या तो आप इसको यहाँ से धक्का दे दें, क्या दे दें, धक्का दे दें, ये देखिए ये पुल, ये पुश है, क्या ये पुश। और दूसरा तरीका है कि ये लॉन रोलर है, इसको आप क्या करें, पुल करें, इसको आप क्या करें, पुल करें। तो ज़्यादा ईजी क्या होगा, पुश करना कि पुल करना, पुल करना। आपको समझ में आ रहा होगा, महसूस किया होगा आपने इसको, पुल करना ईजी है, बट कारण क्यों, कारण ये बेटा कि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, समझ में आ गया ना। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वाई इट इज इजियर टू पुल अ बॉडी देन पुश इट, और बॉडी भी बोल दे या लॉन रोलर बोल दे, कुछ भी कर दे, बात तो वही है। ये देखिए आपके पास में दो सिस्टम दिए गए हैं, ये सिस्टम है, पहला वाला पुल का है, दूसरा वाला पुश का है। पहला वाला क्या है, पुल का, दूसरा वाला पुश का। अब देखिए पुल वाले फोर्स में ये फोर्स लग गया एफ, लॉन रोलर है, बॉडी है, कुछ भी है भाई साहब, ये क्या लग गया एफ, ये सुनो। अब ये बॉडी का मास कहाँ लगेगा, वेट लगेगा नीचे, लगेगा कि नहीं लगेगा, बॉडी का मास वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब ये फोर्स एफ है तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए, एक हो गया एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, टूट गया ना, क्लियर हो गया,
एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, और बॉडी कहाँ चल रही है, इधर चल रही है, आप इधर इधर खिसका रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए अब देखिए, यदि रूल से देखा जाए तो ये W है, ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या लग रहे हैं, दो फोर्स, एक R लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, ये सो नो, क्लियर हो गया ना। तो आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन देखिए कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे W हो गया और ऊपर की तरफ R प्लस एफ साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, R प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना, W, तो रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया, W माइनस एफ साइन थीटा, क्यों भाई, ओम हो गया ना। तो बेटा W को हम क्या बोलते हैं, mg, W क्या होता है बेटा, mg, तो यहां से W को आप mg पुट कर सकते हो, R इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा, आई बस समझ में ना, तो ये हो गया R इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आप जानते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, ये आप याद कर लो, कल आप आए नहीं थे, तो म्यू इंटू आर, तो म्यू की वैल्यू म्यू है और R की वैल्यू हो गई बेटा mg माइनस एफ साइन थीटा, बोलिए सोनो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस, तो ये देखिए आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, तो म्यू के काइनेटिक लगेगा बेटा यहाँ पे, इंटू आर की वैल्यू आ गई, सो ये बन गया फ्रिक्शन फोर्स, क्या बन गया, किस सिचुएशन का, पुल का, किसका बन गया, पुल का, ठीक है ना। अब आप यहीं पर इसको रखते हुए आप पुश के साथ देखिए, पुश के साथ क्या हो रहा है, ये देखो ये तो पुल हो गया है, अब आप पुश के साथ देखो भाई क्या हो रहा है, तो ये आपने पुश किया एफ, क्या लगाया आपने एफ, बोलो भाई सब, लग गया ना एफ, ये आपने इधर की डायरेक्शन में एफ लगाया है, ये देखो ये एफ है। अब इस एफ के दो कंपोनेंट टूटेंगे, इस एफ के क्या कंपोनेंट टूटेंगे, दो कंपोनेंट, फोर्स आपने यहाँ थीटा एंगल पर लगाया है, बोलो है ना, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, पूछ लेना भाई, कुछ चूकना नहीं कोई, तो एक कंपोनेंट टूटेगा एफ का थीटा के डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा, बोलो यस ऑर नो, और एक नीचे की तरफ टूटेगा क्या, एफ साइन थीटा, यस ऑर नो, क्लियर हो गया ना। अब देखिए जो रिएक्शन फोर्स है वो इन दोनों का सम बनेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक तरफ काम कर रहे हैं, यस ऑर नो, तो रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू कितना बनेगा, देखिए आर इक्वल टू नीचे की तरफ ही डब्ल्यू है, बोलो हाँ, और प्लस एफ साइन थीटा, यस ऑर नो, काइनेटिक फ्रिक्शन के एफ के इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, वही म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर, तो बेटा म्यू के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट और आर की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। अब इस चीज को महसूस कीजिए, देखिए यहाँ पे एफ साइन थीटा माइनस हो रहा था और यहाँ पे एफ साइन थीटा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब एक बार में फ्रिक्शन की वैल्यू कम आएगी क्योंकि माइनस हो गया है और इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा, बोलो भाई आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर है ओम कि नहीं है भाई, पिछले बारे में एफ साइन थीटा माइनस हो रहा है, पिछले बारे में एफ साइन थीटा क्या हो रहा है, माइनस, बट इस बारे में एफ साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ के साइन थीटा, तो पुश करने का केस क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के डैश के, और पुल का फ्रिक्शन फोर्स क्या है, के, समझ गया ना, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स ऑफ पुल, समझ में आ गया, इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, तो लिखा है दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इन द केस ऑफ पुश देन इन द केस ऑफ पुल, सो इट इज ईजियर टू पुल अ बॉडी रेदर टू पुश इट, इसलिए बॉडी को पुल करना ज्यादा ईजी है, बोलो आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बेटा, चलिए कुछ पूछना तो नहीं ना, क्लियर है ना एकदम, यस yes. तो देखिए यहां पर अब आ चुका है व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, भाई सेंट्रीपेटल फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बोलो यस ऑर नो, सेंट्रीपेटल फोर्स हमने बता दिया है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, यस ऑर नो, तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाए रखने के लिए सेंटर की तरफ एक नेसेसरी एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम क्या, ए सेंट्रीपेटल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, और न्यूटन के लॉ से एफ इक्वल टू मास इनटू ए, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे ए की, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, समझ गए ना। तो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़ देते हैं डेफिनेशन, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए टाई पकड़ के खींचने वाला एक फोर्स चाहना पड़ता है, और अगर वो नहीं होगा तो कोई घूम नहीं पाएगा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, क्या लगता है सेंटर की, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, बोली क्लियर है बच्चों, यस और नो,
चलिए तो ये बात भी अपनी क्लियर हो गई है, नेक्स्ट टॉक पे चलते हैं, अगले टॉक पे चलिए। अगला है ये डेरिवेशन आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये कैसे करेंगे, है ना, ये डेरिवेशन आप लोग पूछ रहे थे कि कार्क जो होती है वो कैसे मुड़ती है, कार्क कैसे मुड़ती है, समझ गए ना। तो कार को मुड़ने के लिए हमको बतानी है कि कार की कंडीशन की शर्त क्या है। ओके, कार की कंडीशन मुड़ने की शर्त क्या है, ये देखिए एक लेवल रोड है, क्या है ये बेटा, लेवल रोड है, क्लियर है ना। हमको क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड, कितनी स्पीड पे कार मुड़ पाएगी, कितनी स्पीड पे कार मुड़ पाएगी, अगर उससे ज्यादा स्पीड हुई तो कार पलट जाएगी अंदर की तरफ, कार कहां पलट जाएगी, अंदर की तरफ, समझ गया ना। तो बेटा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस आर। ओके, द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कार टायर एंड रोड अलोंग द सरफेस इज म्यू एस। तो यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा उसका नाम क्या है, म्यू एस, क्या नाम है, म्यू एस। अब देखो बेटा समझो, ये कार का लेयर है आपके पास, एक रोड का ये पार्ट है, रोड का ये पार्ट है, ठीक है बेटा। अब एक रिएक्शन बनेगा इधर का आर वन और एक रिएक्शन बनेगा इधर का आर टू। भैया हम टोटल रिएक्शन आर भी ले सकते हैं बट इसने अलग अलग कर दिया है, तो आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इतना ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं, बोलो जी हाँ, है ना। अब देखिए बेटा यहां पर जो रिएक्शन फोर्स है, इतनी बॉडी का रिएक्शन फोर्स है, इसके कारण फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है F1, क्या बन रहा है F1, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो बेटा, म्यू आर वन, पट रखा है ना, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू आर वन, और ये वाला जो चक्का है इस पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है आर टू, तो F2 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू आर टू, बोलो पक्की बात। अब यहां पर हम देखते हैं बेटा, ये देखो ये लग रहा है mg, क्या लग रहा है ये mg, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बेटा r1 plus r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, r1 plus r2 इक्वल टू mg। अब देखो टोटल फ्रिक्शन में निकालता हूं, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू पहला फ्रिक्शन प्लस दूसरा फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू, भाई पहला फ्रिक्शन है म्यू आर वन, तो आंसर कितना आ गया म्यू mg, क्या आ गया, तो फालतू टाइम पास कर दिया भैया, हम तो पहले भी जानते थे इसका वेट है mg और आप जानते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू कितना होता है म्यू इंटू आर, तो कुल मिला के म्यू एम जी, हाँ है ना, अलग अलग करने का कोई मतलब ही नहीं निकला, हमने तो पढ़ चुका है कि पूरी बॉडी को हम क्या मानते हैं, सेंटर पे मानते हैं, किस पे मानते हैं, सेंटर पे, तो भैया यहीं पर मास लगाओ, यहीं पर आपका वेट लगाओ और यहीं पर क्या लगा दो रिएक्शन, बोलो जी हाँ है ना, यहीं पर वेट लगाओ, तो आप जितने डेरिवेशन पढ़े होगे उसमें आर वन आर टू अलग अलग नहीं लिया होगा, उसमें सीधे आर ले लिया होगा, तो मैं सपोर्ट भी करता हूँ इस बात का कि आर इक्वल टू सीधे सीधे यहाँ पर कितना लगेगा रिएक्शन आर, क्या लगेगा आर, एंड आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी, क्या लग जाएगा आर इक्वल टू mg। अब ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, अब क्या हो गया फ्रिक्शन फोर्स। देखो बेटा कार जो है जब मुड़ती है, कार जब इधर की ओर अंदर की तरफ मुड़ती है तो यहां पर जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो कहां की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ, मतलब कार पर जो सूडो फोर्स है वो कहां लगेगा, बाहर। तो कार के चक्कों पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, अंदर, यस और नो। तो कार के चक्कों पर अंदर की ओर फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए जी, यस और नो। तो कार के चक्कों पर जो अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो क्या है कंडीशन भाई साहब, कंडीशन ये है कि जो जो कार का फ्रिक्शन फोर्स है चक्कों पर, क्या नाम है, म्यू एम जी, क्या है म्यू एम जी, वो सेंट्रीपेटल फोर्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा, हाँ है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा। भाई साहब आपको मान लो सेंट्रीपेटल फोर्स घूमने के लिए चाहिए 20, हाँ है ना, तो चके जो आपके पास हैं वो सेंट्रीपेटल फोर्स की व्यवस्था 20 से ज्यादा करके चलेंगे ना, जैसे 40 की करके चले तो 40 में भैया 20 घूमने का हो गया, बोलो हाँ, और बाकी 20 में से धूल उड़ाओ, विली मारो, हाँ या ना, ड्रिफ्ट करो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो आपको इस वाली चीज को ज्यादा लेके चलना पड़ेगा कि नहीं लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से तो सेंट्रीपेटल फोर्स निकलेगा, हाँ या ना। तो भैया क्या रूल बन गया, म्यू एम जी सेंट्रीपेटल फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बोलो ये सुनो। अब यहां से बेटा एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, बोलो पक्की बात, तो यहां इसको यहां चले जान दो, तो क्या हो गया म्यू आर जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू म्यू आर जी, मतलब जो वेलोसिटी है म्यू आर जी से कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के स्क्वायर जो है इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बोलो यस और नो। सो मतलब सेफ वेलोसिटी वी है ना शुड बी लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी, समझ में आ गया, मतलब वेलोसिटी हमेशा इससे कम होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो गाड़ी फिक जाएगी, गाड़ी क्या हो जाएगी, फिक जाएगी अंदर की ओर, बिल्कुल सिंघम स्टाइल में गिर जाएगी अंदर की ओर, समझ में आ गया, यस। ये देखो बेटा तो वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, यस और नो, तो इक्वल लगा है ना, तो इसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो क्या होगी, वी मैक्स इक्वल टू म्यू आर जी, बोलो क्लियर है कि नॉट क्लियर, क्लियर है,
बच्चों एक तो ये सीन था। अब देखिए बच्चों, अगर इफ द स्पीड वी मैक्स है ना, इफ द स्पीड एक्सीड वी मैक्स, अगर इस स्पीड से ज्यादा होती है, द कार विल स्किड एंड गो ऑफ द रोड इन अ सर्कल है ना ऑफ रेडियस ग्रेटर देन आर। कार जो होगी फिसल जाएगी, कार क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी और बड़े रेडियस की तरफ स्किड कर जाएगी, बाहर की तरफ फेंक जाएगी। दिस इज बिकॉज द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन इज अनसफिशियंट, क्योंकि कार को रोल करने के लिए जो फ्रिक्शन हो जाएगा अनसफिशियंट हो जाएगा, ठीक ना। प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, मतलब कि वही हालत हो जाएगी कि आपने अपने दोस्त की टाई छोड़ दी तो सेंट्रिपेटल फोर्स कम पड़ गया, सेंट्रिपेटल फोर्स क्या पड़ गया, कम पड़ गया, तो आपको दोस्त कहाँ जा गिरेगा, बाहर। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से जैसे ही अगर इससे आपने स्पीड बढ़ाई तो सेंट्रिपेटल फोर्स कम पड़ जाएगा और कार बाहर गिर जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अगला सीन है, व्हाट इज मेंट बाय बैंकिंग ऑफ द रोड, ओके, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन सेफली नेगोशिएट अ कर्व रोड बैंक्ड एन एन एंगल थीटा, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑन द रोड इज म्यू। इतनी सारी बातें, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों, अभी आपने देखा है कि अगर कार एक सेफ लिमिट की स्पीड के बाहर